हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है योर पर्सन वाज थर्ड पार्टी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। चेक करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के टूवर्ड्स, उन दोनों की इंटेंशन और उन लोगों का माइंडसेट कि इस रिलेशनशिप के प्रोग्रेशन के लिए उन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती की सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। आई थिंक ये पार्ट वन होगा। ये डेक यूज़ करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी और ये डेक चेक करेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जीज टुवर्ड्स योर पर्सन, ठीक है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ओके जी, नहीं बताना चाह रहे, कार्ड्स शफल नहीं हो पा रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माई व्यूवर्स। आपके पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। इस रीडिंग को जब ही देखिएगा जब आपको कन्फर्मेशन हो कि आपकी सिचुएशन के अंदर वेट। ओके जी, अजान शुरू हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। चेक हम यहाँ पे कर रहे थे आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए। पार्ट वन है, आई थिंक एक्सटेंड हो जाएगा, इसीलिए इसको पार्ट वन करना पड़ेगा हमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माई व्यूवर्स। आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए। कीप एन ओपन माइंड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी, द हर्मिट, द हैंगमैन and two of swords, last one is eight of cups. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay जी, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करती हूँ, बॉटम डेक में है द मजिशियन का कार्ड। आपके पर्सन की सिचुएशन अभी स्टक हुई हुई है, क्रॉस रोड पे हैं, समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं विद द हैंगमैन कंडीशन। उनको ऐसा लग रहा है तमाम मामलात स्मूथ होते होते स्टक हो गए। विद द एट ऑफ कप्स कार्ड, अगर कोई होप ढूंढना भी चाहें तो कोई होप नज़र नहीं आ रही। लिटरली इनका माइंड ऐसे स्टक हो रहा है इस सिचुएशन में रहते हुए कि मैं किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ, मैं इस सिचुएशन पे गिव अप कर दूं, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि इनको कंटिन्यूसली इस सिचुएशन के अंदर रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। इनको अपनी तबीयत में बेहतरी फील नहीं हो रही। इनको इनकी इंट्यूशन पावर बता रही है कि कुछ है यहाँ पे जो गलत चल रहा है। विद द हर्मिट कार्ड, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जब कभी अकेले में होते हैं तो इनको इनलाइटमेंट हो रही होती है, यानी कि चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी महसूस हो रही होती है कि क्या इस सिनेरियो में पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। कुछ मनफी असरात भी हैं, जस्ट लाइक ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इस तरीके की चीज़ें भी इनके ऊपर नज़र आ रही हैं, जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों का पार्ट बन रहे हैं या इस किस्म के अटेम्प्ट्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं। विद द सिक्स ऑफ वॉन्स कार्ड, जब ये इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स बढ़े तो इस रिलेशनशिप में ये सक्सेस चाहते थे, इस रिलेशनशिप के अंदर ये विक्ट्री चाहते थे और एज ए मैरिज मटीरियल ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को देखते थे। बट विक्ट्री से
स्टार्ट होके रीडिंग जारी है विद द एट ऑफ कप्स कार्ड के सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं तो किस तरीके से निकलूं, स्टक इनको कर दिया गया है। तो आपके पर्सन की इनर्जीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी के क्रॉस रोड पे हैं, ये वहाँ से वॉक अवे भी करना चाहें तो वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, हैंगमैन कंडीशन नज़र आ रही है, उल्टे लटके हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं टूवर्ड्स योर पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ओके जी, मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करती नहीं थी बट कुछ टाइम से मैंने करना शुरू की है और ये टॉपिक बहुत पसंद किया जाने वाला टॉपिक है मेरे चैनल के ऊपर। फाइव ऑफ वॉन्स कार्ड, एरीज लियो सेगिटेरियस, सेवन ऑफ कप्स। ओके जी ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्वीन ऑफ वॉन्स। अगर तो आप एक हिडन रिलेशनशिप के अंदर थे, इन्होंने थर्ड पार्टी से किसी किस्म का झूठ बोला था, कुछ भी किया था, थर्ड पार्टी ने इनको दो सिचुएशन में जगल करा दिया है, यानी कि जो भी झूठ इन्होंने उससे बोला था इनका भांडा फूट चुका है। इनके साथ रहते हुए भी ये बेसिकली कर रहे थे आप दोनों में कंपैरिजन, ठीक है, और जो कि थर्ड पार्टी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई है। हैंगमैन के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि लिटरली यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि या तो इस बंदे ने या इस बंदी ने सेंस कर लिया है कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी इनका माइंड 24/7 कहीं और चल रहा होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शक करती है इनके ऊपर विद द फाइव ऑफ वॉन्स कार्ड के, हो सकता है रिलेशनशिप में आपके साथ जिस तरीके से झगड़े होते थे ये झगड़े थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं करती अपने साथ, और अपने साथ रहते हुए भी इनके माइंड को डाइवर्ट होता हुआ देख के थर्ड पार्टी जो ये सेंस कर गई है, हो सकता है लिटरली इन्होंने उसको बता दिया हो कि तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग वो नहीं है, तुम मुझे इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकती, जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा, या जिसे कहते हैं सामने वाले की क्वालिटीज़ बयान करना कि उसने तो मेरे साथ ये किया और मैं उसको किसी गिनती में नहीं लाया या गिनती में नहीं लाई या एक्स वाई जी, और मैंने उसको कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई कमिटमेंट नहीं दिया। एक जिसे कहते हैं दुख बयान करना अपना कि कहीं इन्होंने दुख बयान किया, कहीं इन्होंने अपनी बड़ाई साबित की, बट थर्ड पार्टी एक सूझबूझ वाली बंदी है या बंदा है या, लेकिन यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी है, वो इनकी बातों से इनको पिक कर गई। अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी सेंस कर गई है कि ये पर्सन अपने रिलेशंस के अंदर लॉयल नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस का शिकार है, ये मल्टीपल ऑप्शंस अपनी लाइफ के अंदर रखता है और इसी चीज़ों को यही चीज़ें जो है लड़ाई का सबब बनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी एनर्जी स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट से हो रही है, यानी कि झगड़ा तो हुआ है फॉर श्योर, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री और यहाँ पे अनकंडीशनल लव नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, तो दूसरे सिनेरियो में आपके पर्सन जो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है और उसके नीचे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो हाईली इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, लिटरली इनको पता चला है कि इनकी इनका पार्टनर किसी और सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है और इनके साथ वो चिटिंग और बिट्रे कर गया है। सेम वही चिटिंग और बिट्रे जो चिटिंग और बिट्रे इन्होंने आपके साथ किया था और जिसकी वजह से आपने अपना लव केयर इमोशंस इस सिचुएशन को देना बंद किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के जहन में यह है कि इन्होंने इनके साथ चिटिंग बिट्रे किया है। दूसरे सिनेरियो में यह है कि जो बंदा पहले ही डिसेप्शन करके आया हुआ है वो मेरे साथ कैसे लॉयल हो सकता है,
थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप्स के अंदर रेड फ्लैग्स नज़र आ गए, ठीक है। जिस तरह की सिचुएशन हो आप उस तरीके की सिचुएशन से रेजोनेट कीजिएगा। जो सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं वो मैंने बता दिए हैं। ये हम बात कर रहे थे दोनों की करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए, पार्ट वन है ये। पार्ट टू से इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।